और देखिए बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जगह जगह भूस्खलन की वजह से हाईवे बाधित हो गया है। जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे यातायात ठप पड़ गया है। लामबगड़ नाला और खचारा नाला भी उफान पर है और सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे चार धाम यात्रियों को पांडुकेश्वर और लामबगड़ में ही रोक दिया गया है। साथ ही कर्णप्रयाग में भी लंगासू से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। रोड पर पहाड़ी से भारी मलबा है, उसके बाद रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी का रौद्र रूप अब दिखाई दे रहा है। नदी नाले अपने उफान पर हैं और जो कई मार्ग हैं वो अब बाधित हो गए हैं, क्योंकि पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है और बीच जो मार्ग है, जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। विशेष तौर पर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा का जो मार्ग है पूरी तरह से बाधित हो गया है। कर्णप्रयाग और जोशीमठ में जो बद्रीनाथ हाईवे है वो बारिश की वजह से बाधित हो गया है और अब जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है उससे जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा है, जिसके बाद जोशीमठ और कर्णप्रयाग में हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर पूरा पहाड़ आ गया है, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरी तस्वीर कर्णप्रयाग की है, जहां लंगासू के पास पहाड़ी से मलबा आ गया, जिसके बाद यहां भी बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और रोड पर लंबा जाम लगा है। तो चार धाम यात्रा विशेष तौर पर बाधित हो रही है। मानसून का कहर किस तरीके से बरप रहा है प्रदेश में, उसकी तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे की है, जो कि मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से ये मार्ग बाधित हो गया है। दूसरी तस्वीर है कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे की, जिसमें पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और रास्ता बाधित हो गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास नगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जजरेट में सड़क पर मलबा आ गया है। कालसी चक्राता रोड पर लंबा जाम लग गया है। प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी है और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। तो विकास नगर में भी मानसून का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। कालसी चक्राता रोड की ये तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ी पर जब मलबा गिरा उसके बाद यातायात बाधित हुआ, दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और प्रशासन की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मार्ग को सुचारू करवाया जाए, इसे खुलवाया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।